हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं अगेन आई हूँ एक नया रेसिपी के साथ में। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन स्टाइल कोकोनट फिश करी। सो लेट्स गो स्टार्ट सरिताज किचन, कंटिन्यू। सो कोकोनट फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बोनलेस टाइप 500 ग्राम फिश। आप चाहे तो कोई भी फिश ले सकते हो, मैं बोनलेस टाइप फिश ही ले रही हूँ। एक कोकोनट फिश करी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सो ले रही हूँ जरा सा इमली और ले रही हूँ 2 टुकड़ा गिंजर, 5-6 कलियाँ लहसुन, 2 ओनियन, 3 टोमेटो और ले रही हूँ 1 कोकोनट, ले रही हूँ जरा सा धनिया पत्ता और ले रही हूँ 5-6 ग्रीन चिल्ली और ले रही हूँ कड़ी पत्ता। सो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला आप तक पहुँचे। सो सबसे पहले हम लेंगे ग्राइंडर। ग्राइंडर में हमने कटिंग करके रखा हुआ कोकोनट को ऐड करेंगे सबसे पहला। चाहे तो आप इस कोकोनट को ग्राइंड करके भी ले सकते हो। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ऑनियन, जो हमने कटिंग करके रखा था ऑनियन भी इसी में मिलाते हुए ब्लाइंड करेंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ गिंजर, गार्लिक और ले रही हूँ इसी का अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर और 2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा। इसको अच्छे से फाइन प्यूरी रेडी कर लेंगे सबसे पहला। और एक पेन को लेंगे हम। तो ये फिश अच्छा से मैंने धो के रखा हुआ था, इसको मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। सो इसमें ऐड करूँगी और चॉप करके रखा हुआ टोमेटो। और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ कट लगा के रखा हुआ ग्रीन चिल्ली। और इसमें ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता। और इसमें ऐड करूँगी इमली, मैंने भिगा के रखा था आधा घंटा पहला, ये अच्छा से भीग चुका है। इसका पानी ऐड करेंगे। और थोड़ा ऐड करूँगी ताकि इसमें अच्छा से खटास आ जाए ग्रेवी में। और ऐड कर रही हूँ कोकोनट फाइन प्यूरी। आप ग्रेवी का मात्रा बढ़ाते हुए भी ले सकते हो फ्रेंड्स। सो मैंने एक ही कोकोनट का ग्रेवी लिया हूँ और जो बचा कुचा ग्रेवी था उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए मैंने इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून धनिया पाउडर और ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून चिल्ली पाउडर। और ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जीरा पाउडर और ऐड करूँगी 3 टीस्पून सॉल्ट। और इसको अच्छे से कवर करूँगी और गैस में बिठा दूँगी। गैस में बिठा दिया है मैंने। सो एक बार इसको अच्छे से मिला देंगे सारा मसाला को, ग्रेवी को, फिश को, सबको मिलाते हुए अच्छा से इसको ढक देंगे पकने के लिए। इसको अब मैं कवर कर दे रही हूँ
मैक्सिमम 5 मिनट्स इसको ऐसे ही उबलाने देंगे, अच्छे से पकने देंगे ताकि ग्रेवी हमारा अच्छे से पके। आफ्टर 5 मिनट्स एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें। देखते हैं इसमें टोमेटो अच्छे से पका कि नहीं, ग्रेवी हमारा कितना थिक हुआ कि नहीं। लेकिन ग्रेवी और भी थिक होगा, टोमेटो और अच्छा से पकेगा, अभी पका नहीं है। और 5 मिनट्स इसको कवर कर देते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अब हमारा ग्रेवी थिक भी हो चुका है, जितना मात्रा क्वांटिटी हमको चाहिए था उतना थिक बन चुका है हमारा ग्रेवी। और टोमेटो भी गल चुका है, अरे देखिए फिश भी बन के रेडी है। तो हमारा कोकोनट फिश करी बन के रेडी है, इसका ऊपर से हम अब ऐड करेंगे धनिया पत्ता। एकदम बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स सॉफ्ट करने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। देखिए इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। देखते ही एकदम ही मुंह में पानी आ रहा है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।